हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 व्याकरण भाग 4। व्याकरण के अंदर हम चर्चा करेंगे आज समास की। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल मतलब शब्दों का योग, जोड़ा। समास रचना में दो शब्द, दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा का जल, पद में दो पद हैं, गंगा दूसरा है जल। समास होने पर बनेगा गंगा जल। गंगा जल का विग्रह करने पर हम ऐसा लिखेंगे, गंगा का जल। हिंदी में समास के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। एक तत्पुरुष समास, दो कर्मधारय समास, तीन द्विगु समास, चार बहुव्रीहि समास, पांच द्वंद समास, छह अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। इस समास में कारक विभक्ति या एकादि शब्दों का लोप होता है। जैसे जन प्रिय, जन को प्रिय, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, गुणयुक्त, गुण से युक्त, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, मताधिकार, मत का अधिकार, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकमल, नीले रंग का कमल, नीलांबर, नीले रंग का अंबर, श्वेतांबर, सफ़ेद रंग का अंबर, महाजन, महान है जो जन, दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र, महापुरुष, महान है जो पुरुष। द्विगु समास, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब पहले पद में ये पता चले कि वो संख्या दी गई है, पंचवटी, तो पांच वटों का समाहार, पांच संख्या है, चौराहा, चारहों का समाहार, चार संख्या है, पंजाब, पांच आबों का समाहार, आब मतलब नदी, शताब्दी, सौ अब्द, अब्द वर्ष, सौ वर्षों का समाहार या सौ अब्दों का समाहार, चौमाला, चार मासों का समाहार, मास मतलब महीना, दोपहर,
दोपहर का समूह, पहर मतलब समय, दो मतलब दूसरा। बहुव्रीहि समास, यहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। यहाँ नील और कंठ में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद के लिए शिव के लिए प्रयुक्त हो रहा है। समस्त पद विग्रह, गजानन, गज जैसा आनंद, आनंद ले मुँह, मुँह वाला गणेश। तो यहाँ पे तीसरा पद है गणेश। एक दंत, एक दांत वाला, वो भी गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला शिव। वीणा पाणी, जिसकी पाणी में वीणा हो, पाणी मतलब हाथ। तो यहाँ पे आएगा सरस्वती। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात, विचरण करने वाला घूमने वाला। तो निशा में विचरण करने वाला तो राक्षस। दशानन, दस मुखों वाला, यहाँ पे रावण। द्रंद समास, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्रंद समान होता है। समस्त पद विग्रह, अंजल, अन और यल या अन तथा जल। अपना पराया, अपना और पराया या अपना तथा पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब या अमीर या गरीब। आटा दाल, आटा और दाल या आटा तथा दाल। आशा निराशा, आशा और निराशा या आशा तथा निराशा। नर नारी, नर और नारी या नर या नारी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य या पाप या पुण्य। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो या दोनों पद मिलकर अव्यय की तरह व्यवहार करते हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन, हर एक दिन। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। बेखटके, बिना खटके के। गांव गांव, प्रत्येक गांव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। तो दोस्तों, ये थे समास, समास के प्रकार, उसकी समझूती और उसका विग्रह। आप ये समास को तैयार कर लीजिए, उसको याद करिए और नोटबुक के अंदर इसकी कॉपी बनाकर लिख लीजिएगा।